डायरेक्ट पॉइंट पे बात करते हैं गाइज मैं इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं रख रहा हूँ मुद्दे की बात करते हैं बिकॉज ये वीडियो मुझे बनाने का कोई प्लान नहीं था मैं फोर्सफुली बना रहा हूँ टू हेल्प यू और गाइज बिकॉज बहुत ज्यादा मिसलीड किया जा रहा है स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा एंगजाइटी स्ट्रेस फैलाया जा रहा है थ्रू सम इंफ्लूंस थ्रू सम इंस्टाग्रामर्स थ्रू सम यूट्यूबर्स मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी मैं कोई पिक्चर नहीं लगा रहा बट पीपल आर हाइपिंग दिस दिसअप की भाई जो ट्वेंटी आवर्स का रूल था ना जो पहले था कोविड के बाद बाद था देन देर वॉज अ पायलट प्रोग्राम जो कि आपको स्क्रीन पर देख जाएगा आर ने लास्ट नवंबर में ये अपडेट दिया था कि कुछ स्टूडेंट्स जिनका वीजा एक डेट के पहले लगा था वो एलिजिबल होंगे टू तो वर्क फुल टाइम फोर्टी आवर्स एंड प्लस इफ देर बॉडी अलाउज दम एंड प्लस टिल दिसंबर थर्टी फर्स्ट दिस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वो जो पायलट प्रोग्राम है वो एंड होने वाला है या एक्सटेंड होगा ठीक है या फिर रिन्यू होगा क्या सीन है उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग हाइप कर रहे हैं नेगेटिव इफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं इन सच अ कॉन्फिडेंस कि वही चीज़ आर ने अनाउंस कर दिया है एंड दैट इज़ मिसलीडिंग स्टूडेंट्स और उनके डी मेरे पास आ रहे हैं कि भाई मैं स्ट्रेस्ड हूँ मेरी जॉब चली जाएगी मैं जॉब खोज रहा था मुझे फुल टाइम एलिजिबल था मैं बट अब इस अपडेट की वजह से मेरी जॉब चली जाएगी मुझे इंट, इंटरव्यू नहीं मिल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी को इंस्टाग्राम कम्युनिटी को इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी को कि मिसलीड मत करो अगर ऑफिशियल अपडेट आती है तभी दो ठीक है द पॉइंट बींग आई ने कोई भी आपको सी आई का मैं अटैच कर दूँगा स्क्रीनशॉट अभी देख लो कुछ नहीं है अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ में आई का कुछ नहीं है गाइज जो जो रायता फैला ना नेगेटिविटी का ये कुछ नया चीज़ नहीं है मुझे एक्सपेक्टेशंस थी मुझे एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ होने वाला है इसलिए आम ब्रिंग दिस वीडियो टू यू टू हेल्प यू गाइज एंड टू गाइड यू इन द राइट डरेक्शन बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है करियर अब्रॉड बनाना स्टडी करना इतना पैसा लग रहा है इतना कुछ लग रहा है कोई कंसल्टेंट आपको मिस गाइड कर रहे हैं पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते आपका सपना यहाँ पे आना अगर यूट्यूबर्स भी मिसगाइड कर देंगे जिनको आप देखते हो जिनको इतना मानते हो सर सर बोलते हो फोटो खिंचाते हो तो आई डो नॉट वॉन्ट दैट वॉच वॉट इज नीडेड वॉट इज इम्पॉर्टेंट एंड अच्छी गाइडेंस लो तो इस यूट्यूब क्या करते हैं कोई भी हॉट टॉपिक है उसके बारे में या तो बहुत ज्यादा नेगेटिव बोल देते हाइप अप करके नेगेटिव बोल देते हैं, या तो बहुत ज़्यादा आपको पंप कर देंगे कि भाई कैनडा तो बेस्ट है भाई आते ही डॉट चैलेंजर, आते ही सात करोड़ का घर ले लोग बिकॉज इन बोथ फेस देर दन हुटिंग मनी हुज गेटिंग द व्यूज इज गेटिंग द टेंशन फेम नेम जो भी है ठीक है यूट्यूब को करियर बना लेते हैं मेरा कभी ऐसा मोटो नहीं था कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊँ उसको पैसि सोर्स ऑफ इनकम बनाने इससे मेरे को अपने एक्सपेंसिव बिल्स निकालने नो माई ओनली मोटो वॉज टू गिव वैल्यू टू माई ऑडियंस की भाई अगर एक या दो मुझे व्यूज से कोई मतलब नहीं मुझे सब्सक्राइबर से, मतलब से कोई मतलब नहीं अगर एक या दो बंदे का जो गाँव में बैठे हुए हैं ना उनके पास रिसोर्स नहीं उनके पास सपोर्ट नहीं उनके पास कुछ नहीं है ना लोन लेने की औकात है कुछ भी अगर उनको नॉलेज लेके उनके लाइफ में एक परसेंट भी चेंज आता है ना वो आइल्स देकर और कैनेडा आकर अपने सपना पूरा करते हैं कुछ करते हैं अपना ढंग का खुद का दैट्स दटस द बेस्ट थिंग आई लेव यू फील एन एम दैट्स द बेस्ट थिंग आई एम वर्किंग ऑन ठीक है मेरा उतना ही सपना है उतना ही मोटिव इस टेक हेल्प फ्रॉम माई कॉन्टेंट दैट्स इट मुझे कुछ नहीं चाहिए आई आर सी ने ना कहीं भी अनाउंस नहीं किया है मैं आर का जो स्क्रीन है वेबसाइट का वो लगा दूंगा लेटेस्ट न्यूज सर्च करके गूगल में कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है जो अपडेट है वो पुरानी है सीआई बी सी वो चीज है ट्रस्टेड वेबसाइट उसका भी लगा दूंगा कोई भी अलग अलग अल 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 वेबसाइट में मैंने सर्च किया था कोई भी ऐसा वेबसाइट नहीं है जहां पे लेटेस्ट न्यूज में ये बोला गया कि आई आर सी सी हज ऑफिशियली अनाउंस टैट द फोर्टर फुल टाइम वर्क पायलट प्रोग्राम हैज बिन एंडेड एंड या फिर विल बी एंडिंग इन डिसंबर थर्टी फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है सो रिलैक्स ब्रीद चिल कनाडा अगर कोई अपडेट लाएगी आई आई के वेबसाइट में सबसे पहले दिखेगा दैट इज द ओनली जेनुन वेबसाइट यू शुड ट्रस्ट नॉट द यूट्यूबर्स नॉट द इंस्टाग्रामर्स नॉट सम रील्स नॉट सम शॉर्ट्स ठीक है अच्छे क्वालिटी सोर्स सोर्स तो देखो इन्फॉर्मेशन कौन से सोर्स से आ रही है ठीक है मेरा वीडियो देख सकते हो बिकॉज मैं आलू फालतू व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाता जब जरूरी होगा तभी बताऊंगा अगर कोई अपडेट आती है आई बी द फर्स्ट वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू ठीक है मुझे डीएम करके पूछ लेना अगर वीडियो नहीं आती है ठीक है मुझे जो फील हो रहा है मेरा जो गट फीलिंग है या तो सारे बच्चों को फुल टाइम कर देंगे फोर्टी आवर्स अभी क्या है फोर्टी एंड अब इफ योर बॉडी उस ठीक है वो बंद हो जाएगा 20 आवर्स भी नहीं रहेगा यू कैन वर्क 40 आवर्स एवरी वन विज इन कैनडा इज कमिंग टू कैनडा कैन वर्क 40 आवर्स फॉर द लाइक फॉर टिल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर डिसंबर थर्टी फर्स्ट ठीक है जो दूसरी चीज़ हो सकती है टेंटेटिव है श्योर sure नहीं है ऑफिशियल नहीं है अनऑफिशियलिय है मैं बता रहा हूँ मेरे घट फीलिंग से जो हो सकती है वो बिकॉज ये सारे डिसीजन इकॉनमी को अफेक्ट करते हैं कैनेडा बिंग अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री इज अ व व वेरी केयरफुल नेशन हु इज फोस्ड ऑन इट्स इकॉनॉमी फोकस्ड अबोत्थ इट पीपल तो जो कैनेडा ने डिसीजन लिया था लास्ट ईयर दट इज लीड टू अ मैसेव हाउसिंग क्राइसिस मैसिव लेबर शॉर्टेज पार्ट टाइम जॉब की वैकेंसी चली गई थी कोई हायर नहीं कर रहा था किसी को इंटरव्यूज नहीं मिल रहा था तो एज अ रेप्यूटेडेड कंट्री उसका जो रेप्यूटेशन है ना स्टूडेंट्स का वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन थी कैनाडा अभी तक बट इन द लास्ट ईयर इन्फ्लेशन की वजह से टैक्स रेट्स की वजह से रिसेशन की वजह से जॉब क्राइसिस हाउसिंग शॉर्टेज लेबर शॉर्टेज सबके लिए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन डिसीजन सब कुछ के लिए कैनेडा का एज अ नेशन रेपुटेशन बहुत गिर गई थी दुनिया के आंखों के आगे तो अभी कनाडा जो भी डिसीजन लेगी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन रखेगी हाँ इन बच्चों को 20 आवर्स देंगे इन बच्चों को 40 आवर्स देंगे डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स की तुम्हारा वीजा कब लगा है तुम कौन से कॉलेज में कर रहे हो कौन सा कोर्स है कितने साल का वर्क परमिट तुमको दिया जाएगा डो नॉट वरी अबाउट इट जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो स्टूडेंट फ्रेंडली होगा इकोनॉमिक फ्रेंडली होगा कंट्री के लिए अच्छी होगी एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छा ही होगा इट्स कैनाडा इट्स अ गुड कंट्री इट्स सपोज इमिग्रेंट्स बिकॉज वी एज अ स्टूडेंट आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू दिस कंट्रीज इकॉनमी ठीक है दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज आई होप आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला हुआ थोड़ा सा शांति मिली होगी आपके मम्मी पापा स्ट्रेस्ड होंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस हम बहुत ज्यादा बॉदर करते हैं हमारा हमको जब टेंशन होते हैं ना मम्मी पापा ऐसे ही वरीड हो जाते हैं बिकॉज दे केयर अबाउट अस उनको शांत करो उनको समझाओ कि कुछ अपडेट नहीं आया है खुद भी शांत करो अपने दिमाग को मन को बिकॉज देखो कैनेडा आपको आना है डजेंट मैटर आगे पीछे चार पांच महीने आगे पीछे हो जाए कोई इनटेक मिस हो जाए डजेंट मैटर ठीक है तो वरी करने का कोई जरूरत नहीं है अभी तक कुछ भी नहीं आया है यू कैन ईजिली कम टू कैनेडा सेम प्रोसेस वीजा लगा एस ओपी स्ट्रॉन्ग रखो जो फंडामेंटल उसके लिए बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है चैनल पर जाके देखो मेरे प्ले लिस्ट चेक करो आयल्स कैसे देना है उसका भी मैंने प्ले लिस्ट बना रखा है दैट्स वन ऑफ द बेस्ट इन यूट्यूब कोई भी हेल्प चाहिए यू कैन मेल मी और डीएम मी दोनों ही आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे रूटिंग फॉर योर सक्सेस ऑल माई लक इज गिविंग टू यू आ जाओ भाई मिलते हैं पार्टी करते हैं दैट्स इट स्टे स्टे ऑसम सेक्सी लव यू ऑल अगले वीडियो में तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव